नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत, आप देख रहे हो इसी रिटेच यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो में हम दिखाएंगे MPEG-4 बॉक्स में आपका कैसे चैनल को डिलीट किया जाता है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि आपका सेटअप बॉक्स में बहुत सारे स्कैमेल चैनल्स जो है वो टेम्पोरेरी चलते हैं, उसके बाद नहीं चलते, तो सिर्फ वही चैनल को कैसे डिलीट किया जाता है। और दोस्तों इसके साथ भी देखेंगे कैसे चैनल को लॉक किया जाता है। जैसे कि आप SSH 7 का बात करो तो वहाँ पे बहुत सारे एडल्ट टाइप का ऐड आते हैं, तो आपका चैनल तो सेट किया हुआ है, घर में बच्चा है, तो चैनल को आप लॉक कर दो। कैसे आपको पासवर्ड से लॉक किया जाता है वो सब देखेंगे। चैनल को कैसे स्किप किया जाता है, मन के हिसाब से मूव किया जाता है, चैनल के नाम जो है वो कैसे चेंज किया जाते हैं, ये सारे के सारे चीज आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नए हो हमारे चैनल में, आपका DTH का वीडियो अच्छा लगता है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। ठीक, तो चलो दोस्तों देख लेते हैं आगे का वीडियो। दोस्तों बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं कि कुछ चैनल तो चलते हैं मगर सर्चिंग करने के समय आपका बहुत सारा जो पेड चैनल वो स्कैन हो जाते हैं, वो चैनल चलते नहीं। तो उससे पहले हम डिलीट करके दिखाएंगे कैसे डिलीट किया जाता है। तो सबसे पहले मेनू बटन जो है वो दबाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा TV चैनल लिस्ट। यहाँ पे देखो बहुत सारा आपका ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेट ऑप्शन को दबाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डिलीट करने के लिए देखो आपका सैटेलाइट के हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे यूटेलसेट 7TV इसका जो चैनल है वो सारे के सारे हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो अभी क्या करेंगे, उसको तो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे ब्लू बटन जो आ रहा है वो ब्लू बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे, उसके बाद ब्लू बटन फिर से दबाते हैं तो डिलीट का ऑप्शन जो है वो आ गया। डिलीट प्रोग्राम बाय सैटेलाइट और डिलीट प्रोग्राम बाय TP भी कर सकते हो, डिलीट प्रोग्राम 1x1। तो 1x1 करने के लिए आपको एक एक चैनल को आपका सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपका ब्लू का बटन जो है उसे फिर से प्रेस कर देना पड़ता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। सेव, तो हमने इसे यस कर दिए, तो देखो वो आपका डिलीट हो गया। दोस्तों अगर आप चाहो तो सैटेलाइट का जो चैनल है वो सारे के सारे भी आप डिलीट कर सकते हो, इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से ब्लू बटन दबाओ, तो यहाँ पे डिलीट प्रोग्राम बाय सैटेलाइट इसे हम प्रेस कर दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से बोल रहा है आर यू श्योर टू सेव, मैंने इसे यस कर दिया। तो देखो आपका यहाँ पे मैं सैटेलाइट ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो है GSAT 15। ठीक है, तो आप इस तरह से चैनल को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों देखो एडिट बटन जब प्रेस करते हैं तो एडिट का ऑप्शन में डिलीट कैसे किया जाता है वो तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है जो आपका एडिट, तो ग्रीन बटन जब भी हम रिमोट से दबाते हैं तो एडिट में आपका आ जाता है, और उसके बाद हम कोई भी चैनल को सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड चाहिए तो ओके बटन प्रेस करो तो आपका कीबोर्ड मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप चैनल का कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, रेड बटन से जो है हम वो चैनल का नाम ऊपर में जो देख रहे हो उसे डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन है वो रेड बटन में आ रहा है, गुजरात लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो तो जी आपका मन के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, जे लिख दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऊपर में। ठीक है, अभी सेव करने के लिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे येलो बटन जो है वो प्रेस करने के लिए बोल रहे, तो हमने प्रेस कर दिए। अभी फिर से ये बोलेगा कन्फर्म, अभी कन्फर्म करने के लिए येलो बटन फिर से। तो देखो इस तरह से हम नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मूव का जो ऑप्शन है, ठीक है, मूव ऑप्शन के लिए आपको येलो बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि ये बाज बोल के जो चैनल आ रहा है इसे हम मूव करेंगे, तो येलो बटन को प्रेस किए और उसके बाद बाज चैनल को प्रेस किए, इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मूव करने के लिए आपका रिमोट का जो इन्फो का जो बटन है उसे आपको प्रेस करना है, तो देखो ये यहाँ पे मूव हो गया। तो इसी हिसाब से आपका मन का पसंद में जो चैनल आता है वो आप पहले सिलेक्ट करो ओके बटन प्रेस करके, उसके बाद जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो वहाँ जाके रिमोट का जो आई बटन जो है आपके इन्फो बटन बोलते हैं वो प्रेस कर दो, तो ये चैनल आपका वहाँ पे मूव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्किप जो ऑप्शन है वहाँ पे, तो स्किप ऑप्शन के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखो रिमोट से हम ग्रीन बटन को प्रेस कर दिए, यहाँ पे स्किप करेंगे। मान लो कि ये पहले में जो चैनल आ रहे हैं एक नंबर में, तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखो एक नंबर में जो चैनल आ रहे हैं इस चैनल चलेगा, उसके बाद ये चैनल ये वाला जो जो चैनल स्किप हो जाएगा। मान लो कि गुजरात का जितना सारा आ रहे हैं वंदे गुजरात बोल के जो चैनल आ रहे हैं ये सब चैनल हम मूव करेंगे, स्किप कर देंगे मतलब के, तो ये सब चैनल का हम सिलेक्ट कर लिए हैं। और ये तो एक ये जो ऑप्शन है ये कैसे काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे स्किप का जो ऑप्शन है उसे प्रेस कर दिया, अभी एग्जिट बटन दबा के हम निकाल जा रहे हैं इस ऑप्शन से।
तो स्किप कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे सेव करने के लिए पूछेगा, तो हम इसे सेव कर दिए। ये देखो एक नंबर को चलाया, ठीक है। उसके बाद रिमोट का जो अगला चैनल देखने के लिए हम मतलब के ऊपर का जो बटन दबा रहे, तो यहाँ पे एक नंबर में नहीं आएगा, देखो डायरेक्ट आपका 15 नंबर चैनल में चला जा रहा है, क्योंकि हम ये जो चैनल है हमने स्किप कर दिए। तो अगर आपको इसको देखना है तो अलग अलग मैनुअली जाके आपको प्रेस करना है, ठीक है। नहीं तो जैसे हमने क्या किए, यहाँ पे स्किप का बटन जो प्रेस कर दिए, तो ये डायरेक्ट 15 नंबर में जो चैनल है वहाँ पे जा रहे। उसके बाद 16, देखो यहाँ पे और एक स्किप है, जैसे कि 19 नंबर में जो चैनल है ये नहीं आएगा। तो बाज को हमने चला लेते हैं यहाँ पे इस चैनल को। उसके बाद ये देखो 19 नंबर में चैनल जो आ रहा है, तो नहीं चल रहा, तो ये आपका 19 में जो था वो स्किप में ऑप्शन में आ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलो दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिर से जाना पड़ेगा टीवी चैनल लिस्ट में, वहाँ पे जाके फिर हम देखते हैं। या फिर लॉक बोल के एक ऑप्शन आता है, तो लॉक ऑप्शन के लिए रेड बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो लॉक ऑप्शन कैसे काम करते हैं, तो हमने रेड बटन जैसे ही प्रेस कर दें, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मेरा जो पासवर्ड है 4x0 है, सॉलिड का डिफॉल्ट पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक प्रोग्राम 1x1, तो हम एक चैनल को लॉक करेंगे, तो इस चैनल को हमने लॉक कर दिया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि हम ये डीडी किशन को हम लॉक करेंगे, तो यहाँ पे ये दो चैनल हमने लॉक कर दिए। अभी रिमोट से एग्जिट बटन दबा के हम जा रहे हैं, ठीक है, एग्जिट बटन दबा के हम निकलते जा रहे हैं। तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, हम सेव कर दिए। अभी जाते हैं आपका मेन मेनू में, देखो टीवी चैनल लिस्ट में जब हम आ गए, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बास चैनल को प्रेस करके चला लेते हैं, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जो जा रहे हैं आपका, देखो ये 0 डे, ठीक है। तो ये चैनल आपका पासवर्ड से हमने लॉक कर दिए, तो यहाँ पे 4x0 जब हम प्रेस करेंगे तो ये चैनल तभी चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरे एक चैनल को लॉक किए थे, वो चैनल में जाके भी फिर से देख लेते हैं। देखो जैसे कि हम डीडी स्पोर्ट्स के बाद, यहाँ पे देखो उसके बाद डीडी किशन को हमने लॉक कर लेते हैं, तो ये चैनल भी आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। ये चैनल मैसेज जो आ रहा है ये लॉक चैनल, ठीक है। तो ये चैनल चलता है, अगर इस चैनल में जब भी हम जाके ओके करते हैं तो ये चैनल लॉक किया हुआ है, 4x0 प्रेस करते हैं तो ये चैनल चल पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लॉक किया जाता है चैनलों को। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। फिर से जाते हैं मेनू ऑप्शन में, रिमोट से टीवी चैनल लिस्ट में, उसके बाद क्या आता है, देखो फैब बोल के जो आ रहा है, इसके लिए आपको रिमोट में जो फेवरेट जो ऑप्शन है उसे प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपके मन के हिसाब से कुछ ही चैनल को आप चूज करके एक फोल्डर बना सकते हो, जैसे कि गेम कहाँ पे आपका मूवी चल रहा है उसके लिए एक फोल्डर बना लो, म्यूजिक कैसे कौन सा चैनल में उसके लिए आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हम मूवी को हम प्रेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मूवी में हम कौन सा चैनल को रखेंगे, देखो जैसे ये चैनल मूवी चलता है तो इसे भी इस चैनल में भी मूवी चलते हैं, तो मूवी के हिसाब से आपका जो चैनल का लिस्ट है उसे सिलेक्ट करके उसके अंदर डाल दो। बिफोर यू भोजपुरी को भी डाल देते हैं, मनोरंजन टीवी को भी डाल देते हैं, इतना सारा चैनल का मूवी में डाल देते हैं, ठीक है। अभी रिमोट का एग्जिट बटन दबा के हम निकाल जा रहे हैं, यहाँ पे सेव करने के लिए पूछेगा, सेव कर दे रहे हैं। तो देखो हम निकाल आए, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप रिमोट का फेवरेट जो ऑप्शन है वो प्रेस करोगे तो आपका मूवी का जो फोल्डर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो मूवी का फोल्डर जब भी हम प्रेस करेंगे यहाँ पे सिर्फ वही चैनल दिखेगा जो आपका मूवी का फेवरेट लिस्ट में डाले हुआ। दोस्तों इस तरह से आप स्पोर्ट्स का, बच्चा लोगों का कार्टून के लिए, एक म्यूजिक के लिए, एक इस तरह से आप फेवरेट का लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल रहेगा आपके मन में तो जरूर हमें शेयर करें, उसके लिए हम हल निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, फिलहाल ये वीडियो पूरा देखने के लिए इजी डेटीएच की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।